आज हम करने वाले हैं क्लास 9 हिंदी चैप्टर 7 अपराजिता। सही विकल्प का चयन करो। क्वेश्चन नंबर 1, हम अपनी विपत्ति के लिए हमेशा दोषी ठहराते हैं। क, परिवार वाले को। ख, अपने आप को। ग, विधाता को, या फिर अपने दुश्मन को। उत्तर है ग, विधाता को। क्वेश्चन नंबर 2, लेखिका से मुलाकात के समय डॉक्टर चंद्रा किस स्थान के साथ जुड़ी हुई थी। ऑप्शन है क, भारतीय विज्ञान संस्थान मुंबई। ख, IIT मद्रास। ग, IIT खगड़पुर, या फिर घ, भारतीय आयुर्वेद संस्थान दिल्ली। उत्तर है ख, IIT मद्रास। क्वेश्चन नंबर 3, अपनी शानदार कोठी में उसे पहली बार कार से उतरते देखा तो आश्चर्य से देखती ही रह गई। लेखिका कार से उतरते डॉक्टर चंद्रा को आश्चर्य से देखती ही रह गई क्योंकि। ऑप्शन है क, लेखिका को वो कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। ख, डॉक्टर चंद्रा बहुत ही प्रसिद्ध महिला थी और लेखिका ने अखबार में उसकी तस्वीर देखी थी। ग, शारीरिक रूप से अक्षम होने के बावजूद डॉक्टर बिना किसी के सहारे कार से उतरकर व्हीलचेयर में बैठी और कोठी के अंदर चली गई। या फिर घ, अपने नए पड़ोसिन के प्रति उसके मन में स्वाभाविक कौतूहल जन्मी थे। उत्तर है ग, शारीरिक रूप से अक्षम होने के बावजूद डॉक्टर बिना किसी के सहारे कार से उतरकर व्हीलचेयर में बैठी और कोठी के अंदर चली गई। क्वेश्चन नंबर 4, मैंने इसी से एक ऐसी कार का नक्शा बनाकर दिया है जिससे मैं अपने पैरों के निर्जीव अस्तित्व को भी सजीव बना दूंगी। डॉक्टर चंद्रा ने नई कार की नक्शा बनाई थी क्योंकि। ऑप्शन है क, उस समय वे कुछ नया आविष्कार करना चाहती थी जिससे उन्हें विज्ञान जगत में प्रतिष्ठा मिले। ख, डॉक्टर चंद्रा चाहती थी कि कोई उसे सामान्य सा सहारा भी न दे और इसीलिए वे ऐसी कार बनाना चाहती थी जिसे वे स्वयं चला सकती। ग, उन्होंने सोचा था कि उस नई कार चलाने पर उनके पैर धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। या फिर घ, उनकी कार माँ को चलानी पड़ती थी और वे माँ को कष्ट देना नहीं चाहती थी। उत्तर है ख, डॉक्टर चंद्रा चाहती थी कि कोई उसे सामान्य सा भी सहारा न दे और इसीलिए वे ऐसी कार बनाना चाहती थी जिसे वे स्वयं चला सकती। क्वेश्चन नंबर 5, डॉक्टर चंद्रा के एल्बम के अंतिम पृष्ठा पर एक चित्र था जिसमें ऑप्शन है क, वह डॉक्टरेट की उपाधि ले रही थी। ख, उनकी माँ जेसी बेंगलोर द्वारा प्रदत्त वीर जननी पुरस्कार ग्रहण कर रही थी। ग, उनके परिवार के सभी सदस्य थे। या फिर घ, वो राष्ट्रपति से गर्ल गाइड का पुरस्कार ले रही थी। उत्तर है ख, उनकी माँ जेसी बेंगलोर द्वारा प्रदत्त वीर जननी पुरस्कार ग्रहण कर रही थी। पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। क्वेश्चन नंबर 1, हमें कब अपने जीवन की रिक्तता बहुत छोटी लगने लगती है। उत्तर, जब अचानक ही विधाता हमें ऐसी विलक्षण व्यक्तित्व से मिला देता है जिसे देख स्वयं अपने जीवन की रिक्तता बहुत छोटी लगने लगती है। क्वेश्चन नंबर 2, डॉक्टर चंद्रा के अध्ययन का विषय क्या था। उत्तर, डॉक्टर चंद्रा के अध्ययन का विषय माइक्रोबायोलॉजी था। क्वेश्चन नंबर 3, लेखिका से डॉक्टर चंद्रा ने हवाई के ईस्ट वेस्ट सेंटर में क्या पूछने का अनुरोध किया था। उत्तर, लेखिका से डॉक्टर चंद्रा ने हवाई के ईस्ट वेस्ट सेंटर में यह पूछने के लिए अनुरोध किया था कि क्या वहां उनके लिए कोई फेलोशिप मिल सकता है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, डॉक्टर चंद्रा की स्कूली शिक्षा कहां तक हुई थी। उत्तर, डॉक्टर चंद्रा की स्कूली शिक्षा प्राणी शास्त्र में MSc तक हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5, डॉक्टर चंद्रा ने किस संस्थान से डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की थी। उत्तर, डॉक्टर चंद्रा ने बेंगलोर के प्रख्यात इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की थी। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दो। क्वेश्चन नंबर 1, लेखिका ने जब डॉक्टर चंद्रा को पहली बार कार से उतरते देखा तो उनके मन में कैसा भाव उत्पन्न हुआ था, अपने शब्दों में लिखो। उत्तर, लेखिका ने जब डॉक्टर चंद्रा को पहली बार कार से उतरते देखा तो आश्चर्य से देखती ही रह गई। वह अपनी कार से उतरकर व्हीलचेयर में बिना किसी के सहारे लिए बैठी और बड़ी तटस्थता से उसे स्वयं चलाती कोठी के भीतर चली गई। लेखिका नित्य उसको देखती और आश्चर्यचकित रह जाती, ठीक जैसे कोई मशीन बटन खटखटाती अपना काम किए चली जा रही हो। क्वेश्चन नंबर 2, लेखिका यह क्यों चाहती है कि लखनऊ का वो मेधावी युवक डॉक्टर चंद्रा के संबंध में लिखी उनकी पंक्तियों को पढ़े। उत्तर, लेखिका यह इसलिए चाहती थी क्योंकि लखनऊ का वो मेधावी युवक केवल एक ही हाथ खोकर जिंदगी के हथियार डाल दिए। इधर चंद्रा निर्जीव मांसपिंड होकर भी नियति को अंगूठा दिखाकर जिंदगी को जीत लिया। क्वेश्चन नंबर 3, अभिशप्त काया कहकर लेखिका डॉक्टर चंद्रा की कौन सी विशेषता स्पष्ट करना चाहती है। उत्तर, इस कहानी में लेखिका ने शारीरिक रूप से अक्षम एक ऐसी महिला के जीवन पर आलोकपात किया है जिसे विधाता ने कठोरतम दंड दिया। वह जीवन की विषम परिस्थितियों का सामना करती हुई अपराजित बनी रही।
उनके मन में असीम धैर्य और सुदृढ़ इच्छा शक्ति थी। उन्होंने जीवन में आने वाली सभी बाधाओं का डटकर मुकाबला किया। नियति के प्रत्येक आघात को साहस और धैर्य से झेलते हुए आज डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की। क्वेश्चन नंबर 4, डॉक्टर चंद्रा की कविताएं पढ़कर लेखिका की आंखें क्यों भर आई? उत्तर, डॉक्टर चंद्रा की कविताएं पढ़कर लेखिका की आंखें भर आई क्योंकि उनके उदासी चेहरे का छाप उनकी कविताओं में कभी नहीं पड़ी थी, अनजाने में उनकी कविता में छलक आई थी। क्वेश्चन नंबर 5, शिक्षा के क्षेत्र में डॉक्टर चंद्रा की उपलब्धियों का उल्लेख करो। उत्तर, डॉक्टर चंद्रा शारीरिक रूप से अक्षम होने के बावजूद प्रत्येक परीक्षा सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला थी। डॉक्टर चंद्रा ने अपनी निष्ठा, धैर्य एवं साहस से 5 वर्ष तक शोध कार्य किया। गर्ल गाइड में राष्ट्रपति स्वर्ण कार्ड पाने वाली वो प्रथम अपंग महिला थी। क्वेश्चन नंबर 6, विज्ञान के अतिरिक्त और किन किन विषयों में डॉक्टर चंद्रा की रुचि थी? उत्तर, कविता लिखना, हिंदुस्तानी संगीत के साथ पाश्चात्य संगीत सुनना, ड्राइंग करना भी डॉक्टर चंद्रा की रुचि के भीतर थी। क्वेश्चन नंबर 7, डॉक्टर चंद्रा की माता कहाँ तक वीर जननी पुरस्कार की हकदार है? अपना विचार स्पष्ट करो। उत्तर, डॉक्टर चंद्रा की माता वास्तव में वीर जननी पुरस्कार पाने की हकदार है क्योंकि उन्होंने जिस हाल से चंद्रा को PhD तक गाइड देकर अपनी पुत्री को महान बनाया, इसका उदाहरण और कहीं नहीं मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 8, चिकित्सा ने जो खोया है वो विज्ञान ने पाया, यह कथन किसने और क्यों कहा था? यह कथन डॉक्टर चंद्रा के प्रोफेसर ने कहा था। डॉक्टर चंद्रा मेडिकल पढ़ना चाहती थी और एक सफल शल्य चिकित्सक बनना चाहती थी, पर उनका निचला धड़ निर्जीव था, इसीलिए डॉक्टर चंद्रा को मेडिकल में प्रवेश नहीं मिला। पर डॉक्टर चंद्रा की योग्यता और विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण अवदान देखकर तथा उनकी प्रसिद्धि देखकर डॉक्टर चंद्रा की प्रोफेसर ने कहा, मुझे यह कहने में रंच मात्र भी हिचकिचाहट नहीं होती कि डॉक्टर चंद्रा ने विज्ञान की प्रगति में महान योगदान दिया है। चिकित्सा ने जो खोया है वह विज्ञान ने पाया है। आशय स्पष्ट करो। क, नियति के प्रत्येक कठोर आघात को अति अमानवीय धैर्य एवं साहस से झेलती वो बित्ते भर की लड़की मुझे किसी देवांगना से कम नहीं लगी। उत्तर, नियति के प्रत्येक कठोर आघात को अति धैर्य एवं साहस से झेलती वो बित्ते भर की लड़की मुझे सचमुच किसी देवांगना से कम नहीं लगी। जिसका निचला धड़ है निष्प्राण मांसपिंड मात्र, वो सदा प्रसन्न चेहरे पर विषाद की एक रेखा भी नहीं, बुद्धिदीप्त आँखों में अद्यम उत्साह, प्रतिपल प्रतीक्षण भरपूर जीने की तीव्र इच्छा, अद्भुत साहस से नियति को अंगूठा दिखा के अपनी थीसिस पर डॉक्टरेट करना, बचपन से प्रत्येक परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर स्वर्ण पदक जीतना, गर्ल गाइड राष्ट्रपति का स्वर्ण कार्ड पाने वाले वो प्रथम अपंग बालिका थी जो जीवन की विषम परिस्थितियों का सामना करती हुई अपराजिता बनी रही। Don't you give up?